यह मामला है महावन क्षेत्र के गांव पचावर का, जहां गांव से शमशान घाट के लिए जाने वाला रास्ते के हालात बद से बदतर हैं। सामान्य मनुष्य भी वहां होकर नहीं निकल सकता। कीचड़ की वजह से गांव वाले बहुत परेशान हैं। उन्होंने बताया कि हमने इसके बारे में पचावर ग्राम प्रधान मोहन से व ब्लॉक प्रमुख राजपाल भरंगर व विधायक पूरन प्रकाश को कई बार अवगत कराया, लेकिन आज तक इस रास्ते की हालत बद से बदतर बनी हुई है। उन्होंने वोटों का बहिष्कार करते हुए कहा, जब तक रास्ता नहीं बनता तब तक वोट नहीं देंगे। वोट मांगने तो सब आ जाते हैं, लेकिन विकास की बात कोई नहीं करता। विधायक हैं पूरन प्रकाश जी, उनसे भी कहा, वो भी नहीं कोई कार्रवाई करवा रहे। वो तो केवल ये कहते हैं कहवाने की, चलो ठीक है करवा देंगे, अभी नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है, वो लोकल रास्ता है, प्रधान से कहो, ये कहो, वो कहो, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, इस पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अब वोटों के अंतराल में लेके एक बात सुनी थी हमने जब आए हैं, अब आपका क्या नजरिया रहेगा? किसी को वोट नहीं देंगे, जब तक वोट नहीं देंगे जब तक हमारा रास्ता नहीं हो पाएगा, और हम लोटे पे वोट देंगे। लोटा पे दबाओगे? हाँ जी बिल्कुल। आप सारे लोगों का यही कहना है, मतलब पूरे आप जितने भी यहाँ पे मकान बने हुए हैं, जितने भी घर हैं, सब लोगों का यही कहना है, परेशानी आओ, हाँ सबको यही कहना है, मतलब वोट नहीं दोगे आप किसी को? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। बहेड़ी की जनता से सभा में वरुण गांधी ने कहा कि मुझे मामूली तरह से मत भेजिए, बड़ी ताकत के साथ दिल्ली भेजिए, कि दिल्ली के लोग समझ सकें कि बहेड़ी की ताकत क्या है। और वहीं वरुण गांधी ने कहा कि हेमपुरी कि हम पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा और रक्षा करेंगे। बहेड़ी की जनता से वरुण गांधी ने कहा कि आप सभी आपके घर में, गाँव में या पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसी बात आए कि हम आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे, तो बड़े सम्मान के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं वरुण गांधी ने कहा कि आप जहाँ भी जाइए, लोग कहते हैं कि भारत में एक नेता ऐसा आया है जिसने पूरे विश्व में भारत को चौथी शक्ति दी है। अगर आप कभी भी आपके गांव या क्षेत्र में मान सम्मान की बात आए, तो मैं अपनी सारी ताकत आपके गांव व क्षेत्र में दांव पर लगा देंगे। कभी हम गांव व क्षेत्र को पीछे नहीं रहने देंगे। और तो हम आपके मान सम्मान अभिमान को बरकरार रखेंगे। कभी आपके गांव में कभी अगर कोई ऐसी बात आए जिससे आपके गांव के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, आपके घर को पहुंचे या इस पूरे क्षेत्र को पहुंचे, तो मैं छत्रपाल जी और मैं इनके तरफ से मैं एक वादा आपको कर सकता हूं कि मुझे मामूली तरीके से मत भेजिए, मुझे इतने बड़े आशीर्वाद के साथ भेजिए कि दिल्ली में भी लोग जाने कि इस बहेड़ी की ताकत है। जब बहेड़ी की ताकत लगती है। टीवन इंडिया न्यूज के लिए फिरासत खान की रिपोर्ट, बरेली। ग्राम पंचायत पहाड़पुर में दिनांक 7 अप्रैल 2019 को गांव में चूल्हे की चिंगारी से आग लग गई, जिसमें 3 घर जलकर राख हो गए और हजारों का नुकसान हुआ, जिसमें कपड़े, आवास सहित अन्य सामान भीषण आग की चपेट में आ गया। टीवन इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट, मैलानी खीरी। सोहा ब्लॉक ग्राम पंचायत असावर में शक्तिपीठ मां श्री पतवारी जी का भव्य दरबार है, जहां क्षेत्र ही नहीं अपितु प्रदेशों से दर्शनार्थियों की भीड़ लगती है। वैसे तो नवरात्रों में हजारों लोगों की संख्या में भक्त उपस्थित होते हैं, यहां पर हर सोमवार व शुक्रवार को मेला लगता है। इस दरबार में जो भक्त अपनी अरदास लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर प्रांगण में आए दिन कोई न कोई आयोजन होता ही रहता है। ये आयोजन कोई समिति नहीं कराती है, माता रानी के वो भक्त आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शेख त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव।